Warm greetings to the audience of KCGC TV. I am Dr. Lakshmi Chopra, Assistant Professor in Khalsa College of Education, Ranjit Avenue, Amritsar. Today I am going to present my lecture on the topic National Education Policy 2020. This lecture is going to be useful for the students of B.Ed, B.Ed M.Ed Integrated, as well as M.Ed, National Education Policy 2020. After a long awaited डॉ कस्तूरी के रंगन अपने नौ मेंबरी कमेटी के साथ उन्होंने ये इकतीस मई दो हजार उन्नीस को उन्नीस को अपना ड्राफ्ट जो वो सबमिट करवाया लेजिसलेचर में यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया उन्तीस जुलाई दो हजार बीस को बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्वेंटी ट्वेंटी को अगर देखे तो ये हमें तीसरी नेशनल पॉलिसी मिली है इससे पहले जो सबसे पहले नेशनल पॉलिसी आई थी दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1968 अंडर द गवर्नेंस ऑफ इंदिरा गांधी जी उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी की गवर्नेंस में सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली जिसको कि मॉडिफाई किया गया 1992 में अंडर द नेम ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीवी नरसिम्हा राव जी के तो वहां पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मेन एम है दैट इज टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल सुपर पार इन अ नॉलेज ग्लोबल नॉलेज सुपर पार बेसिकली इंडिया का अगर क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उसमें हम वी हैव अ बिग रेशो बट एज फार एज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न वी आर लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम सो मैनी कंट्रीज इसका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मेन चार जो पिलर्स हैं दैट इज असेस इक्विटी क्वालिटी एजुकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी आज का जो मेरा लेक्चर है वो मेन Four points ko cover. Karega. The first one is what is the revised structure of academics in a school education. Second, we will talk about the changes in the pedagogical structure. Third one, we will deal with the evaluation system, and the fourth, very important, what are the changes suggested for the teachers? Let's begin with the first very first point. That is the what is the aim of national education policy the very first important aim is to bring the foundational numeracy and literacy by the uh, year of 2026 and 27 according to this the crucial age of the child is till the 6 years and that should be deal in a very effective way while teaching to them for this there is a change in the academic structure Earlier, we were having 10 plus 2. That means we were spending 6 to 16 years in a school and 17 and 18, 2 years in a junior college. But now, this structure has reframed. Now, the new structure is 5 plus 3 plus 3 plus 4. The age of the education starts from the th uh, third year. Th uh, th uh, 3 year of the child will enter in a school. एंड द फर्स्ट थ्री ईयर्स द चाइल्ड विल स्पेंड इन आंगनवाड़ी इवन द गमेंट इज मेकिंग इश्योर कि ये आंगनवाड़ी के में भी बच्चों को एक क्वालिटी का एन्वायरमेंट मिले जहाँ उनकी एक नेचुरल डेवेलपमेंट हो प्ले वे मैथड से वो बच्चे सीख पाए आपस में इंट्रैक्ट कर पाए और सोशल स्किल्स डेवेलप हों ये जो पहले तीन साल में इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जाम बच्चों का नहीं लिया जाएगा और सारा फोकस जो रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि बच्चा अपनी मदर टंग में एक कॉम्प्रिहेंशन एक न्यूमरेसी और रीडिंग को डेवलप कर पाए निपुण करके एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने जिसमें कि कि सा, सारा प्रयास इस बात पे किया जा रहा है कि जब बच्चा अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करता है रीडिंग को स्टार्ट करता है तो उसको उस रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी होनी चाहिए इसके साथ साथ वो जो बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट उनकी उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वट वी आर ऑब्जर्विंग इन प्रेजेंट सिनेरियो हमारे बच्चे जो हैं वो रोड मेमोरी में तो अच्छे हैं मगर क्रिएटिविटी में कहीं पीछे रह गए द मेन रीजन बिहाइंड ऑल दिस इज जो एज में उनको क्रिएटिविटी डेवलप करनी चाहिए थी यानी कि उसकी इन्फेंसी की एज में जो कि साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि फर्स्ट सिक्स यर्स ऑफ द चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें उसकी कग्निशन की जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो हो चुकी होती है अब हमारे यहाँ का इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि यहाँ पे बच्चा जो है वो सिक्स क्लास से एक फॉर्मल एजुकेशन सेटअप में आता है और उससे पहले वाला जो हम प्राइमरी किंडर स्कूल में है उसमें किस प्रकार के टीचर्स पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं इन बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता था दूसरा लैंग्वेज बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज उसकी मदर टंग होनी चाहिए जिसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी अपने थॉट्स को इजीली एक्सप्रेस कर पाए इंडियन सिस्टम में बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ज्यादातर स्कूल में स्टार्ट जो फर्स्ट लैंग्वेज की जाती थी दैट इज इंग्लिश जिसकी वजह से बच्चा कहीं अपनी क्रिएटिविटी उसी एज ग्रुप में खो देता था खत्म सी हो जाती थी नाउ द गवर्नमेंट हैज प्रपोज सिस्टम अंडर द फोर कैटेगरीज फर्स्ट फाइव इन इज डिटेड टू द्लास तक बच्चा पढ़ेगा उसका एज ग्रुप होगा थ्री टू एट ईयरस और इस एज ग्रुप में बच्चे को प्ले वे मैथड से एक्टिविटी मैथड से डिस्कवरी मैथड से उसकी मदर टंग में एक फ्री एनवाट में पढ़ाया जाएगा जिसमे की बच्चे पे किसी भी प्रकार का कोई भी बॉद्रेशन कोई भी स्ट्रेस विद रिगार्ड टू एग्जाम होगा इसको फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्टेज भी कहा जाता है इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है दैट इज फ्रॉम द क्लास थर्ड फ्रॉम क्लास थर्ड टू फिफ्थ इज नोन एज द प्रिप्रेटरी स्टेज दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द चाइल्ड इसमें बच्चा अपनी मदर टंग में पढ़ाई करेगा अगर वो चाहता है तो उसको मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रोल प्ले के साथ डिस्कवरी मेथड के साथ इंटरेक्टिव वे से सीखेगा, मगर थर्ड क्लास से उसके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होंगे अब नेक्स्ट स्टेज आती है इज़ द स्टेज। स्टेज ये शुरू होती है फ्रॉम क्लास सिक्स टू एट्थ एज ग्रुप रहेगा 11 टू फोर्टीन वेरी बिग चेंज इज डन इन एजुकेशनल सिस्टम दैट इस्पेक्टिव ऑफ द गुड डिग्रीज स्टूडेंट्स आर नॉट एबल To employ themselves to get the jobs because the white collar jobs are not available in that much quantity as our students are passing out. So, it is need of the art that some vocational efficiency should be developed among our student right from the beginning. And this initiative is done from the classics where the child is to be taught coding. टेन बैगलेस डेज आर सजेस्टेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने क्राफ्ट को सीखेगा कार्पेंट्री गार्डनिंग सो दैट ही कम टू नो कि उसका इंटरेस्ट किस क्राफ्ट किस स्किल में अगर बच्चा वाइट कॉलर जॉब नहीं भी ले पा रहा है तो एटलीस्ट वो अपने आप को बोथ हैंड मीट करने के लिए कैपेबल इनफ फील करे

जो पॉलिसी रहती थी उसमें आफ्टर द टेंथ बच्चा रिस्ट्रिक्टेड होता था कि उसको एक स्ट्रीम चुननी है इधर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस अगर साइंस का बच्चा है उसका मन भी है आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ने का तो उसको इस बात की कोई परमिशन नहीं थी मगर ये एक नई रिवाइज पॉलिसी आई है जिसमें कि बच्चा चाहे साइंस के सब्जेक्ट के साथ पैरलर वो ह्यूमैनिटीज का कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है देयर इज नथिंग लाइक एनी टाइट स्ट्रीम सिस्टम नाइन्थ क्लास में बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके ये बात बहुत उठ रही है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो इन्होंने बहुत रिजिड करने की कोशिश की है और वो जो मदर टंग की हम बात कर रहे हैं वो शायद एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी या फिर मदर टंग को अगर हम इतना प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे हम पिछड़ जाएंगे एज अ टीचर एजुकेटर अगर मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है हमारी पॉलिसी ने हालांकि ऑप्शनल ही किया है कि आप जो बेसिक एजुकेशन है वो रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि फिफ्थ तक तो मदर टंग में पढ़ाएं अगर हो सके तो एट्थ तक लेके जाए जिसको कि मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है एक्चुअली ये नहीं कहा जा रहा कि इंग्लिश को छोड़ दें ये कहा जा रहा है कि इनिशियली इंग्लिश को ना लेके उसको मदर टंग में पढ़ाया जाए और इससे फॉर श्योर उसकी जो क्रिएटिविटी है बच्चे की डेवलप होगी इस तरीके से हम लोग जो यूनिवर्सल असेस है हम चाहते हैं कि हर कोने तक हमारा जो एजुकेशन बच्चे को मिले हर लेवल पे मिले चाहे वो ट्राइबल एरिया है चाहे वो हमारा रिमोट एरिया है उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाय राइटिंग द एम ऑफ यूनिवर्सल असेस टू ऑल द स्टूडेंट एट ऑल लेवल्स प्रयास किया जा रहा है इंडिया को ग्लोबल लेवल पे डेवलप कंट्री बनाना एक इंडिया को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो नेशन uh, बनाना जो कि बाकी देशों के साथ ग्लोबल लेवल पे कंपीट कर सके इसके साथ साथ फोकस है जो एम एक है दैट इज ऑन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स की डेवलपमेंट पे जिसमें कि मेन आती है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे को हमने इस तरीके से एक्टिविटीज क्विज इंट्रैक्शन डिबेट वगैरह करानी है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग उसमें यह चीज डेवलप हो कि हर चीज का पहलू जो है वो उसको एनालाइज कर पाए किसी के कहने में आके वो उस चीज को एज सच ना माने बल्कि अपनी रेशनेलिटी को इस्तेमाल करे द नेक्स्ट वी नीड इज कलेबरेटिव लर्निंग बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया वेयर वंस द चाइल्ड हिज एजुकेशन एंड वट इज द नीड ऑफ आर्ट दैट ही मस्ट नो हाउ टू डू द वर्क इन कलेबरेशन critical thinking, collaborative learning, uh, cognitive learning, communication skills, these are the exposure to the student, these are the skills required among our students in 21st century to compete at a global level. once we have set down these kind of aims where we are looking for the harmonious development of the personality, where we are looking the development of the 21st century skills for sure we have to have changed our pedagogies also we have to change our method of teaching otherwise we will can never be able to get the uh, decided aim uh, predetermined aim to achieve for this what is required that we should change our pedagogy to the experiential learning we should change we should shift teacher centered approach to learner-centered approach. we should promote our, among our students with regard to discovery method, with regard to decision-making ability, with regard to leadership quality. and if we want to do this, we have to change our pedagogies like cooperative learning, experiential learning, role play, activity method, seminar. these kind of things should be prominently done in the classroom.

तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एजुकेशन को बंद कर दीजिए यू कम एंड ज्वाइन द कॉलेज इफ यू विल फिनिश द वन ईयर यू विल बी गिवन विद द सर्टिफिकेट अगर आप दो साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा अगर आप तीन साल पूरे कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी अगर आप उसके बाद एक और साल लगाते हैं तो आपको रिसर्थ, एडवांस रिसर्च डिग्री मिलेगी जिसके कारण आप पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो एक साल में कर सकेंगे एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक की भी फैसिलिटी बनाई गई है जिसके तहत बच्चा जो सब्जेक्ट पास करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको क्रेडिट दिए जाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने की है हम आज तक सिर्फ बात करते थे कि करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर को भी इक्वल वेटेज दी जानी चाहिए आज उन्होंने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है जब उन्होंने कहा कि को करिकुलर के भी उसी तरह से क्रेडिट्स होंगे और वो भी इतने ही इक्वली वैलिड और गुड माने जाएंगे जैसे बच्चे ने करिकुलर में प्राप्त किए इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवेल्युएशन द कंप्लीट रिफॉर्म इन द अवेल्युएशन सिस्टम इज डन अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिस इज ऑल्सो नोन एज द थ्री डिग्री अवेल्युएशन एज the best reform required in our education was only and only evaluation we used to say that we need a continuous and comprehensive evaluation but actually isko apply kaise karna hai use kaise karna that was not so much clear but now the government has proposed that the evaluation should be done at a multi level like psychomotor domain cognitive domain and affective domain and it should be done by the different stakeholders. The very first is the student himself, self appraisal will be done by the student. The second one, appraisal evaluation, will be done by the peer group. The third one will be done by the teachers. And the fourth one will be done by the parents. For this, they have used artificial intelligence also, they have used the rubrics also so that each and every domain should be covered so that each and every stakeholder should be involved. now coming to the teacher. teacher is a pivot around which the whole activities of the education revolves. so there are so many changes recommended in national education policy with regard to teachers also. those are t-stuck. sirah vahi, teacher banega. जिसने फोर ईयर्स का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ग्रेजुएशन की है द नेम इज आई टेप इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसके तहत टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करने वाले को टीचिंग जॉब नहीं मिलेगी बल्कि लाइक इंजीनियरिंग मेडिकल प्रोफेशन जो बच्चा राइट फ्रॉम द बिगनिंग एक थाट के साथ एक झील के साथ एक एंथ्यूजम के साथ ज्वाइन करता है आफ्टर द प्लस टू

प्लेटफॉर्म को भी डेवलप किया गया है लाइक like मूक स्वयं प्रभा दीक्षा जिससे कि दूर दूर तक जो लोग बैठे हैं वो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तक असेस बना पाए ये सब पॉइंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी तरफ से कवर किए हैं मगर ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी इतनी ईजिली इम्प्लीमेंट हो जाएगी इस पर भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं हमें दिख रहे हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने कोडिंग वगैरह वोकेशनल एजुकेशन की बातें की हैं फ्रॉम द क्लास सिक्सथ मगर जो हमारा एक्चुअल सिनेरियो है स्कूल में आज की डेट में वहाँ पे टीचर्स ऑलरेडी शॉर्ट हैं टू टीच द जनरल करिकुलर सब्जेक्ट तो कैसे ये टीचर्स हम अवेल करेंगे हम बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की मगर हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स जो हैं वो अंडरपेड हैं एक फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ लेने वाले टीचर्स से आप किस लेवल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एक्सपेक्ट करते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज कर रही है कि डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट प्रकार की क्वालिफिकेशन को सेट किया जाए इंडिया में जहाँ की ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन अंडर पेड है उस केस में कैसे आप इतनी वैरायटी के टीचर्स जो हैं वो ला पाएंगे इसके अलावा जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस है हम कितनी भी बातें कर लें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो बुक्स हैं हमारे जो कंटेंट रिटर्न है टेक्स्ट बुक आउटडेटेड और उनके लिए कुछ खास ना तो किया जा रहा है ना स्पेशली इसमें लिखा है अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने टेक्स्ट बुक को चेंज करें टीचर की माइंड अप्रोच को चेंज करें क्योंकि ये एक एटीट्यूड है अगर हम ये अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे अगर हम ये नई जो पॉलिसी प्रपोज हुई है उस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वन बाय वन प्रयास नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज हम अपने एजुकेशन सिस्टम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसके अलावा जो एक मेजर चेंज आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा पहले मॉनिटर करने के लिए हायर एजुकेशन को यूजीसी एआईसीटी एनसीटी जैसी अलग-अलग एजेंसीज थी मगर अब सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाते हुए एक जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई है दैट इज नोन एज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सिर्फ मेडिकल और लीगल को छोड़ के बाकी सबकी रेगुलेशन का क्वालिटी का इंश्योरेंस जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा जो कि आगे फर्दर चार वर्टसिज में काम कर रहा है जिसमें सबसे पहले आता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी फंडिंग बॉडी एक््रिडेशन बॉडी एंड जर्नल काउंसिल सो द गमेंट हैज़ टेकन देअर स्टेप Now, it is need of the art that we as a teacher or a teacher educator should play our role. Rather than trying to find out the weaknesses or the difficulties in national education policy, we should come forward and try to achieve it to the best possible manner. Thank you.